तो यहाँ पर जैसे अभी गांव की समस्याएं सुनी, और एक समस्या और मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये एक जोड़ है भाई, ये जोड़ लेके चलो सारे नोड़ी है। तो यू देख लो भाई, एर गांव का जोड़, समस्त गांव हो गया और ये मैं गांव के आदमी आता मिल लूँ, गांव के आदमी के कहूँ इसके बारे में। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। भाई क्या कुछ करना है इस जोड़ के बारे में? इस जोड़ के बारे में काम कम क्यों नहीं आ रहा है इस पर? भाई सिर्फ परली साइड ज़्यादा ध्यान दे रहा है, इस साइड कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। काम हो रहा है इसमें पशु, और रोज बीमार बीमार यार मनी, पैसे का तो दूध का तो कम भी नहीं लावा यार, तो पैसे पैसे कुछ भी बीमारी हम चले जावा है। इतना बढ़िया पानी देख लो आप, दो दिन पहले इतना लाल पानी था, इसमें तो मछली भी पड़ा नहीं, भाभी मर जाएगी। ये दल दल तो नहीं है? नहीं नहीं सारा बाल उठ रहा है, ढक दिया आज लग, सफाई नहीं हुई, नहीं कुछ नहीं लेना, ना सफाई हुई है ना अच्छा हो रही है। नाकिंगे का अंकल जो है तो नाकिंगे नाले लिकड़ रहे, नाकिंगे नाला लिकड़ रहा ना कुछ है। इवनिंग का दबला पहले नाला का डंगे का जोड़ पानी सकाया था, अच्छा सकाया था इसका पानी? हाँ पानी सकाया था अगले के नाला काट देंगे। ईव इलेक्शन है कि छह महीना पास अगले इलेक्शन है, ईव अपना ईव कुछ नहीं करते, ईव कुछ नहीं करते। एक अंकल जी और इनसे पूछ लें। हाँ जी अंकल जी, आपका क्या कहना है इस पर? मेरा कहना भाई ये है, इसका ठैग नहीं, इसने ठैग गरीबा प्लाट कटाया था, इसमें कोई प्रश्न का तो रहा जाए, डंगरा तो काम रहे है नहीं, इसमें रहने का कड़ी। हाँ ठीक बात है, है? बिल्कुल, बिल्कुल। पानी आप देख लो मौके किसा किसाना नलिया पानी सारा इसमें हजम हुआ है, बढ़िया बंद हो जाए कम से कम, वो तो नहीं रहा है, नहीं तो बीमार पशु तो नहीं बीमार हुआ ना, और अब जंग बता रहे हैं इसने बंद कर बैंकटाल क्यों जरा पुलिस चौकी बनाया था, बढ़िया रह जाएगी क्यों भाभी से, एक सरकारी संस्था की जमीन जाओ है बीमारी तो फैलने से बचेगी। तो जैसे अभी भाइयों आप लोगों ने देखा क्या बुरा हाल हो रखा है जोड़ का, और मैं तो यही सरपंच से अपील करूंगा कि सरपंच जी इस चीज पर काम करो, और इसने कुकरे पे काम करो, चाहे तो इसने साफ सफाई तरह रखवाओ, और नहीं फिर इसने बंद करवा दो। अच्छा ये लड़कियां स्कूल में गली जावे है या हाँ, इसमें आगे जाएगी इसका हाल और देख लो कितना के बढ़िया हाल है, कैसे लिखड़े कुकर ना हो बरसात में, कोई बच्चा गिर जाए वो बात हो है ना, ठीक बात। कल ना कोई बड़े हादसे इंतजार है सरकार ने, जी भाई इसने करेगी, एक दो बच्चा गुजर जाएगा ना जी भाई, फिर दैट देनी का देंगे भाई इसको, बोला नहीं चार दीवारी ऊंचे उठाई जावे, ये गली पक्की करी जावे, चार दीवारी तो भी उठानी चाहिए जहाँ पे पानी का है सिस्टम है, जैसे कोई नदी हो जोड़ हो कुछ भी, आप मौके देख लो फिर है क्योंकि रोड़ा यू है भाई, देख सुकृत को दबल लाग रहा है, दबल लाग रहा है, ये थोड़े दिन में कति साफ हो जाएगा, ये सुकृत को नाला लिखड़ से इसकी सरकार की सहमति दब रहे होगे लोग, तो कोई दबदा नहीं, सरकार की कुछ सहमति होगी इसमें तभी इसको नहीं बता कब्जेदारी अपना कब्जा सरकार तो नहीं, तो नहीं है कि भाई जंग, क्योंकि सरकारी जंग है, सरकार थोड़ी ना अपने जंग सुहाओगे किसी, फिर ये सरकारी है नहीं होता, कोई जोड़ नहीं होता, नंबर का रहा है इसकी खोट नंबर कटवा लो सारा चौदह, तो आज तक नहीं होता कितना के रह गया, सब सब ये इसमें जोड़ में बढ़ रहे हैं मकान जितने, अच्छा मतलब थोड़े दिन मतलब निशानी हुआ है दिखा रहा हूँ, ये एक जो गली है ये लड़कियों के स्कूल का रास्ता है, ये सरकारी स्कूल का, और मैं आप लोगों को दिखा दूँ ये इस तरीके से गली है यहाँ पे, मतलब बारिश जैसे कल बारिश हुई थी ये पानी खड़ा हुआ है, और बारिश के समय तो इतना बुरा हाल हो जाता है यहाँ पे, ये देखिए और साथ में ही जोड़ है, और ना कोई दीवार है ना कुछ है, यदि बाय चांस किसी की बाइक स्लिप कर जाए उसे दा जोड़ में कूद देगा भाई, बच्चे को भी जाने खतरा है, हाँ बच्चे को ज्यादा अकल नहीं होती, वो दो बाल खेलते खेलते किसी ने आसिया में धक्का दे दिया, वो बेचारा ऊपर जाएगा, तो मेरी यही शिकायत है अपील है जो भी कहोगे, और मौके पर आप देखो अभी एक आदमी निकलने लग रहा है, और ये देखो बड़ी मुश्किल तो आने लग रहा है भाई, सर्वे चल रहा है, तो जैसे कि भी आपने देखे एक बाइक वाला आ रहे थे उधर से, मैंने वो जैसे
अपने पिछले पीछे भी आपने देखा गली मैंने आपको दिखाई थी, और ये एर गांव का शमशान घाट है। ना कोई बाउंड्री, ना कोई छप्पर टाइप कि भाई बारिश वगैरह हो जाए और उस टाइम पे वैसे तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। और ये चीज़ें कोई भी इंसान आया है तो जाना तो उसका स्वाभाविक है, लेकिन जिस नाम ने कर स्वर्ग द्वार अंतिम यात्रा, अंतिम यात्रा इसी होगी भाई। आप लोग देखो, आप लोग बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और यदि कोई मेरे कन तो कुछ गलती हो जाए, कोई गलत चीज़ मैं दिखा दूँ तो भाई मैसेज कर दियो, कमेंट कर दियो, मैं अपनी चीज़ अपने आप सुधारूँगा। और मेरा मकसद है सच्चाई दिखाना, जो कि इस टाइम पर आप लोग देख रहे हो, एर गांव की सच्चाई, शमशान घाट। और यहाँ पर कुछ आदमी हैं, अभी हम उन तभी बात करवा देंगे आपकी। राम राम जी। राम राम जी, कैसे हो सर? ठीक है। ये जो आपका घाट है, शमशान घाट है, इस पर कुछ आज तक काम क्या तो नहीं हुआ? बस काम हो रहा है नहीं, इस पर ऐसी पंचायत बना, कोई काम नहीं कर रही इस पर, कोई ध्यान नहीं दे रहा, कभी नहीं करे इस पर काम, कभी ये काम नहीं। अच्छा, ये तो मुसलमान नहीं गड्ढा में बैठे हमारे चले तो जी। अच्छा, एक जगह का बता, हमने तो आज तक जगह कहाँ है इसकी। अच्छा, तो इस पर कुछ पंचायत तक कुछ कहना का बुरा हाल पाता जी, लैटरिन भी पाती चलो में। अब पंचायत तक कुछ कहना चाहते हो आप? वो पंचायत तो यही कहना चाहो जी, हमारा समाधान कर दे इसका, ठीक है। तो जैसे भी भाई आप लोगों ने सुना, और अभी एक भाई साहब तो बात भी कराई, और ये बुरा हाल है। और मैं सरपंच साहब से अपील करता हूँ कि सरपंच जी इस चीज़ का समाधान करो, करवाओ, क्योंकि इसके साथ ना कोई भी चीज़ें होती हैं तो रिश्तेदारी, यारे प्यारे सब आस पड़ोस से गांव वाले भी आते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो गांव की बदनामी है। और इस टाइम पे गांव को रिप्रेजेंट आप कर रहे हो, कल न और कोई भी करेगा, और करया भी है कहीं ना, चलो जिनने नहीं करया, नहीं करया आप तो कर दो। और यहाँ पे लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं इस चीज़ का, तो मुझे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए इस बारे में, आप लोग देख ही सकते हो। तो यहाँ पे एक भाई साहब है, इनते पूछ लें। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। भाई क्या हाल है? ठीक ठाक भाई। भाई भी देखा के कुछ कहोगे इसके बारे में? भाई इसके बारे में कहना नहीं है, सरकारी टंकी है ना, ये बड़ा बीजेपी का वर्कर है जो कि 50 साल से बीजेपी पार्टी की ओर से है। मैं इसका ये बाथरूम है, किसी गांव में और मोड़ बड़ा बाथरूम हो तो कहीं बताओ मेरे को ना। ठीक बात है, ना ठीक बात है। हाँ, ये हमारे डॉक्टर नहीं गुप्ता जी है, गांव वायर से बीजेपी अध्यक्षता के जो सारी अध्यक्ष है। अच्छा, और आप इनसे बात कर लो। गुप्ता जी करो बात, आप अंकल जी बताओ। आप ना अंकल जी नहीं बोल रहे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई, भाई क्या हाल है? ठीक ठाक भाई। भाई यू के कुछ हिसाब है, यू टंकी है या के है यू टंकी? भाई पहले यहाँ पे अच्छा है, अब ये बुरा हाल हो रहा है इसमें, इसकी तरफ किसी ने भी आज तक ध्यान नहीं दिया भाई। कितने साल तक है यू भाई? सर तो देखना है ना, हम तो 15 साल तक पड़ा हुआ कम से कम इसी काम है। मतलब जो भी बना था 15 साल पहला बनी थी टंकी? नहीं बिल तो 30-40 साल पहला रही है, इसका 15-20 साल तो रही है अच्छी, यहाँ पर कर्मचारी भी आए, सारा काम है। अच्छा, आज अब ना तो यहाँ कोई ऑपरेटर आंदा, दिहाड़ी पर अपना बंदे लगाता है, ऑपरेटर अपना घर बैठा तनखा ले हुआ है। ठीक बात है, है सी गांव का एक ऑपरेटर है, वो कभी आंदा नहीं। अजय हमने इसमें फिर एक चीज ताश खेलन ना रहा पा रहा, मुतन ना रहा पा रहा, क्यों हमने कोई हटाने वाला नहीं हटा। हाँ ठीक बात है। हाँ क्यों गंदे पता गंदे हुए इकट्ठा ना। ठीक बात है। अब जो कर्जे पे इलेक्शन हुआ है तो ये मुद्दा होंदा होगा यू कि भाई इसने ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे। हाँ, हर आदमी आ रहा है। पिछले 5 साल पवार ने इतने आश्वासन दिए हैं, इसको सुधार करेंगे, इसको बनवाऊंगे, इसको ऐसे करवाऊंगे, ऐसे करवाऊंगे, कुछ नहीं होना जाना। पवार हार गए जा लिया, फिर दोबारा इसका नंबर लिया है। अरे बलबीर है, बलबीर भी कुछ नहीं, अगले 6 महीने की उसने भी देखा है, करेगा के ना करेगा, इसका तो बढ़िया को अंधा नजर आ रहा है। अच्छा, हाँ देखो भी काम बताओगा अभी। हाँ काम बोलेगा तो कम से कम, या तो मेन बस स्टैंड। आपने नहीं बताया एक चीज देखी, सारे को घूमो फिरो हो, हमारे गांव में इतना बड़ा मंत्रालय क्यों पाया आपने? ना जी, आज गांव के साथ शरत मारा है, किसी और गांव में हमारे गांव में इतना बड़ा मंत्रालय हो तो उसको इनाम भी देंगे?
ठीक बात है, छोटा मोटा मंत्रालय को नहीं भाई, सरकारी मंत्रालय है जो सरकार ने मार्ग बना के दिया हुआ है। ठीक बात, क्यों कदी दो रहे पानी चालू करने के लिए, ये हमने मिल गया मूत्र नरा कर मूत्र खातर है, एक दो आपने देखा भी होगा आपने मौके पे ना, देख लिया जी मन को। तो भाई हो इसमें आप ही देखो, आप ही बताओ कि कुछ कहना है। मैं तो फिर दोबारा सरपंच जी तो अपील ले करूंगा, सरपंच से अपील करनी है तो नहीं होता, सरकारी संस्था सरकारी संस्था में सरपंच भी क्या करेगा, शासन प्रशासन से मैं यही अनुरोध करूंगा, तो मैं शासन प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि कृपया करके इस चीज़ को जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ठीक करें। और ये तो गांव की इज्जत की बात है क्योंकि गांव के अड्डे पर है ही, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।